चलिए इसी बीच बात करते हैं जोधपुर की, जहां पर जोधपुर में प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक कैरी बैग्स यानी कि पॉलिथिन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, जगह जगह कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से पॉलिथिन पर बैन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन दिखावे के लिए इसके खिलाफ 4 दिन कार्रवाई करता है और उसके बाद फिर से पॉलिथिन का प्रयोग शुरू हो जाता है और धल्ले से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अरुण हर्ष, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ जो है स्थितियां हैं पॉलिथिन यानी कैरी बैग के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रशासन की जितनी है साथ ही साथ आम जनता की भी है, और अगर यहां पर प्रशासन कुछ सख्ती दिखाता है तो जरूर इस पूरे मुहिम में, इस कोशिश में कहीं ना कहीं कामयाबी मिल सकती है। जोधपुर की क्या कुछ स्थितियां हैं? बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ जोधपुर में वो लोग हैं, जागरूक लोग, जो लंबे समय से पॉलीथीन को रोकने के लिए प्रशासन से लेकर तमाम लोगों तक उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन आज भी पॉलीथीन धड़ल्ले से बिक रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इस पॉलीथीन का, कैरी बैग का दुरुपयोग? भारत सरकार ने सन 2010 के अंदर, अगस्त के अंदर, पॉलीथीन कैरी बैग पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य था, गायों की हत्या हो रही थी, पर्यावरण नष्ट होता, सीवरेज जाम हो रहा था और नाना प्रकार की भांति भांति की बीमारियां आ रही थी। ये सोच के हम लोगों ने आज से 4 वर्ष पहले एक आंदोलन शुरू किया, प्लास्टिक कैरी बैग महाविरोधी अभियान। इसके तहत हमने दो तरह से हम लोगों ने काम को करना शुरू किया। नंबर एक, प्रशासन पर दबाव डालने के लिए हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, रैली निकाली। और नंबर दो, हम लोगों ने आम जनता को जागरूक करने के लिए घर घर गए, उन लोगों को पैम्पलेट बांटे, उनके लिए हमने जागरूकता के लिए हमने उनको प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पे कागज की थैलियां प्रयोग करने के लिए कहा, कपड़े की थैलियों का फ्री वितरण किया। और हमने प्रशासन को बार बार हर एक अधिकारी से मिले, हमने प्रधानमंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, यहाँ के नगर निगम आयुक्त को लिखा, यहाँ के महापौर को लिखा, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करता है। उल्टा हमको ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ तक कि मेरे को तो अब प्लास्टिक के मतलब लोग जान से मारने की धमकियां भी देने लग गए हैं। किस तरह से पॉलीथीन का दुरुपयोग रोकने के लिए आप लोगों ने मुहिम चलाई थी और क्या रिजल्ट मिल रहा है आज भी? हमने अल्लाह बोल के माध्यम से हर चौराहे पर प्लास्टिक कैरी बैग को रोकने के लिए जगह जगह जनजागर अभियान, हस्ताक्षर अभियान, सरकार पर दबाव डाला, लेकिन राजनेताओं का दबाव होने से धल्ले से प्लास्टिक कैरी बिक रही है, गायों की मौतें हो रही है और प्रशासन ढूंढ नीति के कारण या हजारों की लाखों के करोड़ों में गायों की मौतें हो रही है, जिसका आप महिला होने के साथ साथ पॉलीथीन को लेकर आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है और क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? मेरा यही कहना है कि पॉलीथीन को बंद करो, पॉलीथीन से गाय मर रही है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, नालियां जाम हो रही है और सड़कों पर गंदगी फैल रही है, मेरा यही कहना है। हम लोगों ने क्या क्या किया? रोहित, मैं बताना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो जागरूक इस शहर के नागरिक हैं, जिन्होंने प्रशासन से लेकर तमाम राजनेताओं तक इस मामले को लेकर शिकायतें भी की। कुछ दिन ऑपरेशन चलता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। किस तरह से आपको जान से बिल्कुल धमकी और किस तरह से आपने ऑपरेशन भी करवाया जाके मौके पर? हम लोगों ने यहाँ के जो आयुक्त है, तत्कालीन आयुक्त से संपर्क किया था और उन लोगों को जानने जाके मैं लिखित में फोटो सही दुकानदारों की जान पे रिस्क लेके फोटो खींच खींच के ले गए कि ये लोग दुकानदार है, ये हमारे पास फोटो है, ये सबूत है, अवैध प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग बेच रहे हैं। तो उन लोगों मानते आप इसके अंदर प्रशासन की भी गलती है और जनता की भी गलती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ आम जनता की भी, लेकिन कुछ जागरूक लोग अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं धमकाया जाता है। सवाल ये है कि अगर हम ही अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जागरूक नहीं होंगे तो आखिर कैसे पर्यावरण को बचाया जाएगा? बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।